अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। नाश्ता जो है वो मेरा आ चुका है, इसमें सूखी रोटी है। पराठा जो है वो मैं पसंद नहीं करता इतना, आगे वेट बढ़ गया होगा इसलिए। दही है और साथ काले चने बने हुए हैं शायद। तो चलिए नाश्ता करके, तो फिर एक तो काम है वो करते हैं। अभी मैं नाश्ता करके बाहर गली में आया हूँ। एक आदमी बार गली में आया हुआ, वो बहुत प्यारा कलाम बोल रहा है, तो वो आपको सुनाते हैं। जी तो नाश्ता मैंने कर लिया, अभी बाग की तरफ आया हूँ। अम्मी बता रही थी जी इस पौधे को जो है ना कीड़ा पड़ गया हुआ है, तो वो दिखाता हूँ आपको। फिर उसके बाद स्प्रे लेने जाते हैं, फिर इसको स्प्रे करनी है, बल्कि सारे पौधों को कर देंगे स्प्रे, ताकि जो कीड़ा वगैरह है वो ना पड़ सके। ये देखें जी, ये जो वाइट वाइट से नजर आ रहा है, ये कीड़ा लगा हुआ है इसको। ये जो वाइट वाइट से नजर आ रहा है, ये कीड़ा लगा हुआ है। ये पक गए हैं, आस्ते आस्ते पकने शुरू हो गए हैं। अभी इनका रंग जो है सही पीला नहीं हुआ, जब ये फुल पीला हो जाएंगे तो फिर पक जाएंगे सही। ये माशाल्लाह दो लगे हुए हैं पौधे यहाँ पे, इनको माशाल्लाह बहुत ज्यादा फल पड़ता है, लेकिन इसको भी हल्का हल्का कीड़ा लग गया होगा, इसको भी स्प्रे करनी है। माशाल्लाह जी येलो रंग के जो फूल हैं वो खिल गए हैं माशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा फूल लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह रेड भी फूल निकले हुए हैं। और मेथी के ऊपर भी फूल निकले हुए हैं माशाल्लाह। अभी आज इनको भी स्प्रे मारनी है। अभी हम लोग ज़रात के ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ से मेडिसिन लेके तो फिर इसको स्प्रे करेंगे। अभी ये नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन देते हैं, वो देखते हैं जाते हैं उधर। रस्ते में कमर्शियल आ गई है, ये देखें। ये भी ज़रात का ऑफिस आ गया, ये देखें। ये ज़रात के ऑफिस के बाहर जो है ना, ये नर्सरी उन्होंने डाली हुई है, ये देखें ये पौधे वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा स्प्रे लेनी है इधर पौधे मारने वास्ते, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜਮੀ ਨੇ ਆ ਜੇ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ
बारह महीने वाला तो एल गार्ड का किन्ने दा 200 दा सही मर्चा वगैरह दे पनीरी रखी जे मर्चा दे पनीरी हरिया मर्चा दे ये जी सारा जरात का ऑफिस है असिस्टेंट डायरेक्टर जरात पसरूर सही स्प्रे हमें लिख के दे दिया उन्होंने उन्होंने कहा जी ये दो दफा तीन दफा होगी इसका चौथा चौथा सा दोनों का तो फिर इंशाल्लाह काम ठीक हो जाएगा ये देखें जी व्यूज स्प्रे हमने ले लिया पंजाबी तरीके वाली स्प्रे होगी आज मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसके साथ आज हम स्प्रे कर ठीक है भाई जो है वो पीछे रो पीने लगे हैं हम रो लेने लगे हैं भाई तो फिर चलते हैं घर राजू भाई क्या टेस्ट है पी के चेक बताएं अच्छा टेस्ट मैं भी टेस्ट करता हूँ पहली बात है कि रो है सस्ती ठीक है दूसरी बात यह है कि ये हमारी ट्रेडिशन है स्टाफ की ड्रिंक है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर से पहले ही पीना चाहिए अभी ये कूट अंदर जा रहा है तो अंदर ठंड पड़ती जा रही है ये देखे जी अब हम स्प्रे कर रहे हैं देसी जुगाड़ हमने लगाया है जो मशीन थी स्प्रे वाली वो गाँव गई हुई है तो इसलिए हमने जो है ना 1.5 लीटर की बोतल में जो है ना स्प्रे डाल के तो उससे मार रहे हैं शावर से वो मशीन होती पास तो फिर अच्छा होता ज़्यादा क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा बनता है तो जो स्प्रे है वो ज़्यादा ऊपर जाती है ज़रा सिर्फ जो है ना जहाँ पे कीड़ा लगा उधर उधर मारेंगे और थोड़ी थोड़ी ऊपर जो है ना ऊपर से छत से जा कर ऊपर से कर देंगे तो भाई जहाँ जहाँ कीड़ा लगा हुआ वहाँ वहाँ मारें अब ये ग्रेप फ्रूट का पौधा है सबसे ज़्यादा जो कीड़ा है वो इस पौधे को लगा हुआ था तो इस पे जो ना चकोतरे लगते हैं इतने इतने बड़े इसको उर्दू में चकोतरा कहते हैं ग्रेप फ्रूट को अभी इसको फूल लगे हुए हैं तो साथ ही इसको कीड़ा लगना शुरू हो गया था तो फिर अम्मी कह रही थी कि इसको स्प्रे जो है ना करो ताकि जिसका फल है वो ख़राब ना हो ये जो है ना वाइट सा कीड़ा इसको लग गया हुआ है स्प्रे हो रहा नीचे हाथों पे ना खारिश शुरू हो गई है मेरे थोड़ी थोड़ी ना लगे मैंने दस्ताने ये जो ग्लव्स है ना लेमिनेशन वाले ये पहने हुए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो लग रहा है ना जिल्द के ऊपर स्किन के ऊपर लग रहा है तो इरिटेशन स्टार्ट हो गई है इसके साथ लगाया तो मैंने देसी जुगाड़ है बहरहाल अभी सिर्फ ये वहीं पर करेंगे जहाँ पर ना इसका फल लगा हुआ है इसके जो फूल है ना वो लगे हैं वहाँ पर करेंगे इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि एक तो प्रेशर इसका कम है और दूसरा ये कि अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ करने की कोशिश करेंगे तो आँख में पड़ सकता है तो हाथों पे लग रहा है इतनी इरिटेशन जलन हो रही है यार कोशिश तो यही है कि इंशाल्लाह हफ्ते में दो बार करेंगे तो ये जो कीड़ा है फिर खत्म हो जाएगा स्प्रे इसकी ना वैसे बेसिकली होती है जनवरी के अंदर जब जनवरी स्टार्ट होता है क्योंकि उस वक्त जो है ना इसका फूल जो इसको निकलने जो है ना स्टार्ट होते हैं शुरू होते हैं तो उस टाइम जो है ना इसका बेसिक जो है ना वो टाइम होता है असली टाइम इसका वो होता है इसको जब कीड़ा पड़ने से रोका जाए अब तो कीड़ा इसको काफ़ी हद तक पड़ गया हुआ है अब यही है कि जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम हम ये है कि अगर इसको स्प्रे कर देंगे तो जहाँ पे ये रुके हुए हैं ना उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे
पे करो ऐसे ये ताकि हर फूल के ऊपर पहुंच जाए। स्मेल बहुत ज्यादा इसकी, स्मेल भी है और बचा के जरा मुझे हाथों को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है। जी तो व्यूवर्स स्प्रे हमने कर लिया, इसी के साथ ही आज का व्लॉग खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।